मंत्री कल आना, यहाँ तेरा ना कोई मोल है, बस पार्टी का नाम बता जाना, 2019 उसी का तो झोल है। ना मैंने किसी से हाथ मिलाया है, ना कीचड़ में कमल खिलाया है, ना करना चाहती हूँ झाड़ू से सफाई, मेरी तो जनाब जरा दूसरी है लड़ाई। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल की जबां अब तक तेरी है, ऐ फैज तेरे लफ्जों की कदर होने में अभी जरा देरी है। डेमोक्रेसी हमारी मजाक है, मीडिया ने पहना हुआ एक नकाब है, और हर सवाल का यहाँ पर बस भारत माता की जय ही एकमात्र जवाब है। सुनाती हूँ एक कहानी तुम्हें, जो किसी और ने शायद सुनानी थी, पर पैसे हेट कर चुप हो जाना उसकी आदत काफ़ी पुरानी थी। तो सन 1857 में जो जली थी आज़ादी की मशाल, आइए देखिए उसका एक नया रूप, देखिए डेमोक्रेसी का कत्लेआम। उसकी अर्जी बन गई सरकार की मर्जी, बाकी अंदर काम होता रहा फर्जी। हर ऑब्जेक्शन की हो गई सस्पेंशन, क्यों ना हुई जनता को टेंशन। गायब हुआ देखो काला धन, जब मित्रों से मिल गए वोट, घूसखोरी भी खत्म हो गई, क्योंकि घूस के लिए खत्म हो गए नोट। देखो देखो कितना काम हुआ, हर बदनाम स्कीम का नाम हुआ, और खुशी से रहा बस वो, और खुशी से रहा यहाँ बस वो जो टाइम पर लंदन फरार हुआ। किसान की कर्ज माफी के वादे यहाँ पर विशाल हैं, किसान की कर्ज माफी के वादे यहाँ पर विशाल हैं, पर जमीन की उपज पर क्यों ना किया किसी ने कोई विचार है। शौक से प्रचार किया तुमने कुंभ में आए सन्यासी का, और अवैध फैक्ट्री लगाई जिसकी जमीन पर, क्या दिखा ना दर्द उस आदिवासी का। सिर्फ कविता हेतु ही नहीं लिखा, ये सच्ची घटना पर आधारित है। अब मेरी गलती नहीं कि सबका साथ सबका विकास ही सिर्फ प्रसारित है। हर जगह कितनी खुशहाली है, क्या सुना तुमने कोई स्कैम है। ना बैठा युवा धरने पर, दरअसल सबका गवर्नमेंट एग्जाम है। क्या निकला तुम्हारे भी किसी एग्जाम का नतीजा है, या हर कुर्सी पर बैठा किसी नेता का भतीजा है। किसी ने ये सवाल उठाया भी तो, किसी ने ये सवाल उठाया भी तो, उसे चुप कराने का हथियार उसी का जीजा है। करियर एडवाइस में एक देती हूँ, मार्केटिंग में जाओ, बहुत स्कोप है। हर कोई पकौड़े तो नहीं तल सकता ना, और गवर्नमेंट जॉब्स में भी तो अब 10% और का प्रकोप है। नेता नेतागिरी तक नहीं करता, अब सिर्फ मार्केटिंग पर जोर है। जब बेचारा इतना लगाए पीआर पर, तो क्या सचमुच चौकीदार चोर है। उफ, हमारा ये मंत्री जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड चौकीदार है, क्या चुराए हुए डॉक्यूमेंट्स के लिए फिर वही जिम्मेदार है। पुलवामा की लापरवाही के लिए क्या हुआ वो कभी शर्मसार है, या फिर 56 इंच से हमारा पड़ोसी ही खबरदार है। बालाकोट राजनीति की जागीर नहीं, फौज हमारी किसी पार्टी की तस्वीर नहीं। अभिनंदन करो पुलवामा पर उठ रहे सवालों का भी, क्या वो जवान हुए हमारे शहीद नहीं। देख वीर पुत्रों का ये हाल, मेरा दिल हिलसा जाता है, पर किसे कहूँ मैं ये सब कुछ, सेना का मनोबल भी तो गिर जाता है।
नहीं जरूरत हमें पड़ोसी की अपना घर जलाने के लिए। जात पात धर्म के धब्बे ही बहुत है हमें इंसानियत भुलाने के लिए। एक सवाल से बचोगे तो चार और खड़े होंगे, जब अल्फाज अंगारे बनेंगे तो तुम ही जलोगे। सिर्फ आवाज उठाना नहीं, मुझे अपनी आवाज पहुंचानी है। थक कर हार कर चुप हो जाऊंगी, ये सोच ही उनकी नादानी है। निवेदन है मेरा कि बाकी भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, बेबाक होकर असली मुद्दों पर भी बात करें। खबर की कब्र खोदना आसान है, मुद्दे को मुर्दा करना आम है, पर जो आज़ादी कायम रखे वही तो असली पत्रकार है। शुक्रिया।